नमस्कार ओडिशा रे आपण मानको स्वागत चांत जानिबा आजर न खबर ओडिशा मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक आज भुवनेश्वर कोळिंग स्टेडियम कॉम्प्लेक्स गस्त करी सेठारे 300 कोटी टंकार विभिन्न क्रीडा भित्तिभूमिक प्रकल्प विशेषतः निर्माणाधीन इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम रो अग्रगति संपर्क रे समीक्षा करिसंदी। एही इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम हेउची देशर सर्वप्रथम इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम। मुख्यमंत्री यहार अग्रगति रे संतोष प्रकाश करी कहिछन्ते जे एथलेट मानको पई एही इंडोर सुविधा देशर एथलेटिक खेलर विकास को जोरदार करिवो एवं स्टेडियम आगामी दिन रे एथलेटिक चैंपियन सृष्टि करिवारे एक अग्रणी भूमिका ग्रहण करिवो। एही स्टेडियम टी 120 कोटी टंका विनियोग रे निर्माण करा जायछि एवं चलित 2022 सुधा संपूर्ण हेबो बोली जणा जायछि। एथिरे जातीय आंतरजातीय स्तरर एथलेटिक क्रीडा अनुष्ठित हेबो एवं खेलाड़ी माने सारा वर्ष तमाम खेल अभ्यास जारी रखी पारिबे। 100 जन खेलाड़ी को कोचिंग देबा पई एथिरे आवासिक सुविधा मध्य रहिछि। तापरे मुख्यमंत्री निर्माणाधीन टेनिस सेंटर प्रकल्प मध्य प्रदर्शन करथिले। एही टेनिस सेंटर रे आईटीएफ टूर्नामेंट और डेविसी कप भली जातीय और आंतरजातीय क्रीडा अनुष्ठित हेबार सुविधा उपलब्ध हेबो। राज्य सरकार को 5 कार्यक्रम रे राज्य क्रीडा भित्तिभूमिक उन्नयन प्रकल्प अधीन रे ए सब क्रीडा प्रकल्प निर्माण करा जाय छी। एहा द्वारा राज्य रो क्रीडा क्षेत्र रे रूपांतर आसी पारियो बोली आशा करा जाय छी। वर्तमान कोळिंगो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रे इंडोर एथलेटिक स्टेडियम ओ टेनिस सेंटर सहित इंडोर एक्वाटिक्स स्टेडियम हॉकी एचपीसी बिल्डिंग ओ स्टाफ मानको पई आवासिक व्यवस्था आदि 300 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प निर्माण करा जिवो। एहापरे मुख्यमंत्री कोळिंगो स्टेडियम रो मुख्य फुटबॉल पड़िया रे अनुष्ठित होतिबा ओडिशा महिला फुटबॉल लीग रो मैच देखिथिले एवं खेलाड़ी मानको सहित आलोचना करी सेमानको सब प्रकार सुविधा सुजोग जगाई दिया जो बोली कहिथिले। परे मुख्यमंत्री भारतीय जातीय हॉकी दल रो उभय पुरुष और महिला खेलाड़ी मानको भेटी सेमानकर रहणी और खेल अभ्यास संपर्क रे पचारी बुझिथिले। हॉकी क्रीडा को मुख्यमंत्री जो सहयोग जगाई देछन्ती सेथिपई सेमाने मुख्यमंत्री को निकट रे कृतज्ञता प्रकाश करथिले। आज पूरी श्रीमंदिर परिक्रमा मास्टर प्लान रो समीक्षा करछंती एएसआई डीजी बी विद्यावती। प्रकल्प रे थिबा समस्या उपरे मंदिर प्रशासन सहित आलोचना करछंती डीजी। पश्चिम द्वार परिवर्ते पूर्व द्वार निकट रे रहिबो भोजन मंडप। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर रे मध्य जारी रहिथिबा कार्यर तदारख कले। आज पूरी श्रीमंदिर रे आरंभ हला कटकणा विहीन जगन्नाथ दर्शन। श्रीमंदिर रे प्रवेश करबा को आउ दरकार पड़िबोनी डबल डोज टीकाकरण प्रमाणपत्र किंबा कोविड टेस्ट रिपोर्ट। कोविड नियम माने श्रीजी को दर्शन करिवे श्रद्धालु। तेबे कटकणा कोहळ परे भिड़ आशंकारे पुलिस पक्षरु सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जायछि। केनाल सहर रे थिबा भागीरथी सागर रे माछमरी भासथवार स्थानीय लोके देखिबा को पाइथिले। एही सागर रे चतुर्पार्श्व दीर्घ दिन हेबो आवर्जना और पुति गंधमय होइ पड़ी रहिछि। मूर्ति विसर्जन जोगु एहार जल रासायनिक पदार्थ हेतु प्रदूषित होइ जाइछि और अम्लजानर परिमाण कमि जाइछि। बारंबार अभियोग सत्त्वे एहार कोनोसी प्रतिकार होइ नाहि बोली स्थानीय लोक कहिछन्ति। तथा पर्याय पंचायत निर्वाचन पई मुतयन हेबे 257 प्लाटून पुलिस फोर्स। पेट्रोलिंग पई गठन होइछन्ति 1463 मोबाइल यूनिट। भोट बेले हिंसा पई गिरफ होइछन्ति 82 जन व्यक्ति। भोट बेले हिंसा पई गिरफ होइछन्ति 82 जन व्यक्ति बोली पुलिस पक्षरु मिलिछि सूचना।